अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओ जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। वेलकम टू गाइज माई न्यू व्लॉग। तो स्वागत आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो नए सुबह और नई दिन की शुरुआत करते हैं एक नई जगह से। तो अभी हम लोग हैं लेह लद्दाख पे, और लेह लद्दाख के एक छोटी सी जगह से तो हम लोग सेह पे हैं, और ये हमारा टीन शेड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और तो गाइज देख सकते हैं सुबह सुबह लद्दाख में फ्लाइट जा रही है, यहाँ पे से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नज़दीक से जा रही है। सुबह सुबह चार पांच फ्लाइट तो ना यहाँ से आराम से निकल जाती हैं, देख सकते हैं। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख के बाज़ार में घूमने के लिए। जैसा मैंने आपको बोला था कि पिछले वीडियो में कि मैं आपको ले चलूँगा अगले वीडियो में लेह के बाज़ार में, तो चलिए आज दिखाता हूँ आपको लेह का बाज़ार कैसा है, क्या है, किस प्रकार का है। तो अभी हम लोग निकले हैं लेह के लिए। तो ले जो है यहाँ पे से करीबन 12-16 किलोमीटर दूर है। तो अभी पहले हम लोग जाएंगे चक्रमसर, जो कि होने वाला है 9 किलोमीटर, और उसके बाद 9 से 11 किलोमीटर के आसपास चक्रमसर चौक से ले बाज़ार होने वाला है, जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे प्यारी जगह है। तो वहाँ के बाज़ार और वहाँ का जो भी मतलब बाज़ार वगैरह जो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा मैं आपको। चलिए आइए ले चलते हैं आपको ले के बाज़ार में, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा है। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा चक्रमसर चौक, जो कि यहाँ पे टैक्सी वगैरह मिलती है लेह लद्दाख के लिए। एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा है। सो गाइस अभी ले यहाँ पे से है करीबन 9 किलोमीटर दूर, और अभी यहाँ पे हम लोग चौक में हैं, और अभी यहाँ से जाएंगे तो बस पकड़ेंगे अगर बस मिलेगी तो। और राजू जा रहे हैं साथ में, देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बाजार है यहाँ पे चौक पे। टैक्सी स्टैंड यहाँ पे चौक पे, ओहो गली से। गाइज देख सकते हैं आगे सामने से पूरा सा गेट, जो कि हाईवे पे है लेह लद्दाख के, टू वे है ये, और काफ़ी प्यारा दृश्य देखने को मिला है अभी हम लोग को ये गेट का। देख सकते हैं साइड पे काफ़ी सारे गुंबद भी है, और काफ़ी प्यारा सा गेट है जो कि बहुत खूबसूरती से बना रखा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये है मेन लेह, जो कि मेन मार्केट है, वहाँ का गेट है सामने का, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। सो गाइज इधर यहाँ का मेन बाज़ार लेह लद्दाख का, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे साइड पे सब्जी मंडी वगैरह लगा रखी है। आप देख सकते हैं हम लोग कितना लंबा हो जाएगा। तो गाइस ये था लेह लद्दाख का बाज़ार, देख सकते हैं ये पूरा एरिया
मेन बाजार है, और अभी हम लोग लोअर लेने आए थे राजू के लिए, और मैं सोच रहा था एक स्लीपिंग बैग वगैरह भी देख लें हम लोग सेकेंड हैंड, क्योंकि स्लीपिंग बैग वगैरह चाहिए हमें थोड़ा सा यहाँ रहने के लिए, तो वो नहीं हमारे पास। स्लीपिंग वगैरह थोड़ा बेकार सा है, तो एक अच्छा वाला आदमी सेकेंड हैंड मिलता है, तो वो देखना था हमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ ले लद्दाख बाज़ार पे आए थे। और बाज़ार वैसे काफ़ी सुंदर है, अभी वैसे दुकानें वगैरह खुली नहीं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, और जो यहाँ पे भीड़ वगैरह होती है अभी इसके बाद शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तब तक सारी दुकानें खुल जाती हैं। और अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, और यहाँ पे जाके संडे बाज़ार में जाएंगे हम लोग, एक तो हम लोग स्लीपिंग वगैरह भी देखेंगे, और फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बाज़ार से, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, तो मिलता है अभी संडे बाज़ार। लद्दाख में सबसे मेन चीज़ क्या बताया, खेती बाड़ी। यहाँ पे लोग ना बहुत खेती वगैरह बहुत मुश्किल से करते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह सब्जी वगैरह लेके रख रखी है। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ की मूली, मम्मी मूल अमर अमूल हमारी पहाड़ी मूली दिख रही है यहाँ पे, होने को पहाड़ी है लेकिन यहाँ पे भी जिस हिसाब से ना यहाँ की ज़मीन है, मतलब रेतीली ज़मीन, तो उसमें ये फसल करना काफ़ी आसान बात नहीं है। देख सकते हैं मूली वगैरह और मटर वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। और तो गाइस अभी राजू के ना बेल्ट टूट गया है, तो इसका ब्रेड का लगा रहे हैं, ऐसे चमड़े का, ऐसे डालने वाले हैं, हाँ इसकी ये बेल्ट टूट रखी है देख सकते हैं, तो ये लगा रहे हैं पूरा आगे का। तो ये भैया यहाँ पे बैठते हैं और अभी बेल्ट लगाएंगे, थोड़ा ये भी ऐसे खिसक रहा है थोड़ा इसको टाइट। गाइस जी भैया के शॉप पे आए हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए दिए थे ना, ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट किए, इसका मीडियम साइज होंगे तो अभी ये लोड दिख रहा है यहाँ पे, ले लद्दाख में लोड देखी जा रही है लौंडे के लिए। ये तो हो जाएंगे डोए हुए आ जाएंगे इसके, तो हाँ कितने इस टाइप के ट्रैकिंग वैन नहीं होंगे क्या, 850। तो गाइज आपको दिखाता हूँ यहाँ का संडे बाजार लिखा, ये रहा देख सकते हैं। सो गाइज अभी ये शाम का समय है ले लद्दाख का, और चेक कर सकते हैं यहाँ पे सीन कितना प्यारा मौसम हो रखा है, और यहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ उधर टिन शेड पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार नीचे हाईवे पे, और देख सकते हैं यहाँ पे सारी तो पोस्टर वगैरह लगाने वाले सारे रेलिंग वगैरह रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीन चेक कर सकते हैं यार काफ़ी खूबसूरत है, और काफ़ी बड़ा प्लॉट है उनका। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाज़ार को जलेबी लेने के लिए, पूछते हैं यहाँ पे जलेबी कितनी महंगी दे रहे हैं लोग। अच्छा तो जो और गाइस देख सकते हैं सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, वहाँ पे धूप चलेगी होने को। ये लो ट्वीट को ये दुए अटकी रहे मैं कुटान आ गया ये फटे ही जूते हैं, नए जूते लेके आ गए पापा पी दो हाथ पिथौरागढ़ से। तो ये देख सकते हैं सनसेट चले गया, सन काफी प्यारा लग रहा, चार लोग जा रहे हैं हम लोग, चाचा जी और गोविंदा अपने जूनियर गोविंदा है, और ये है मनोज कति का नोट में फटा हुआ नोटा 100 रुपए का, और सामने हाईवे है, और आज मैं एक जैकेट लेके आया था इसके अंदर मुझे 10,000 रिवॉन मिले हैं, वॉन कोरियन वॉन, इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू सिर्फ कितना 10,000 वॉन की करेंसी की, एक 10,000 वॉन 645 रुपये है, यानी एक रुपया एक वॉन करीबन 64 पैसा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से 10,000 का वॉन 645 रुपये हो रहा, तो वो तो यहाँ चेंज होता है नहीं, तो उसको हम संभाल के रखेंगे अपने पर्स में, पूरा एक वो करके रख रखा है मैंने। हाँ सबूत अभी दिखाऊंगा ना, सबूत कमरे पे जाके दिखेगा, ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे पे। लो क्वालिटी का क्या, लो क्वालिटी का क्या, लो क्वालिटी का फर्क ही दिखा रहे लोग, वॉन तो वॉन होता है भाई, 10,000 का वॉन देख सकते हैं,
ठीक है। और जलेबी यार काफी महंगी मिलते हैं यहाँ, जलेबी देखने जा रहे हैं हम लोग। क्यों कपड़ा सही तो इसका, ये कपड़ा देख ये ऐसी है यहाँ पे जैसे पानी पहनने वाला ना। तो क्या हुआ अपना बैठता है, कोई बात नहीं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवे पे, प्यारा सा मौसम और ये हाईवे। ये रोड जाती है मनाली को और ये जाती है लेह लद्दाख को। यहाँ कहाँ पे अभी अभी तो शाम के समय ना मस्त वो अमेरिका वाला फीलिंग आ रहा, लंदन वाला चिकन चाउमीन खिला रहा हूँ। चिकन चाउमीन पैसे नहीं है यार, पैसे नहीं है भाई, पैसे 10,000 वोन यहाँ चेंज होते तो मैं खिला भी देता भाई, चेंज नहीं होते हैं वोन सबसे पहली बात तो ठीक है। तो अभी हम लोग हाईवे पे घूम रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लेने जा रहे हैं हम लोग क्या, जलेबी। जलेबी जो कि पहाड़ी सबसे ज़्यादा खाते हैं हम लोग, हमारा फेवरेट डिश वही है स्वीट में जलेबी। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे जलेबी बनाते हैं हम लोग, देखने के लिए आ रहे हैं वैसे। जहाँ की जलेबी भी, लेह लद्दाख की जलेबी टेस्ट की जाएगी आज। गाइस लेह लद्दाख की जलेबी कितनी महंगी है ना आपको दिखाता हूँ आज, ठीक है। और देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे घर बना रखे, जबकि यहाँ पे पता है पत्थरों की सबसे ज्यादा कमी है, फिर भी यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं, सबूत ये चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हाईवे पे, 200 सही तो है, 200 रुपए जलेबी, 200 रुपए किलो, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, क्यों क्या हुआ, 200 रुपए kg, 1.5 kg डालो फिर। हाँ वही ले आते हैं, काम बेकार ही जाओ, बोल तो सही फिर, 1.5 kg कर दो फिर। हाँ 1.5 kg आम खा रहे यार यहाँ पे लोग, दही लेके आएंगे ना, चला दही लेके आते हैं, ठीक है 1.5 kg कराना, ठीक है इतना ही करूँगा।